का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है पुष्कर रावत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर से। देखिएगा अभी सुबह सुबह के 3:30 बज रहे हैं और अभी दर्शन कर चल रहे हैं। देखिए दर्शन हो पाते हैं तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल, और हो सकता है कि वीडियो और फोटो अलाउड नहीं हो मंदिर के परिसर में, जो कुछ भी होता है आपको दिखाएंगे। अभी सुबह के 3:45 हो चुके हैं और मंदिर परिसर के लिए चल चुके हैं। देखो अभी पहुंचते हैं, ये पुल है, यहाँ से अपन चल रहे हैं। यहाँ से आपका मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है। तो अभी सुबह के 4:15 बज चुके हैं और मंदिर परिसर के मेन गेट पर जो है आकर बैठ गए हैं। अभी जैसे ही जो है मंदिर परिसर का जो दरवाजा है वो खुलता है, सबसे पहले दर्शन करते हैं। यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं कि ये जो बंदर बैठे हैं ये हमेशा से यहीं बैठे रहते हैं और प्रातः दर्शन के लिए बिल्कुल आते हैं मंदिर परिसर में। तो अभी आप देख सकते हो बंदर महाराज जो है ध्यान कर रहे हैं। देश के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग जो है वो ओंकारेश्वर में स्थित है। मानदाता स्थित इस जगह की बात करें तो ओंकार पर्वत जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, हिंदुओं की आस्था का सबसे पवित्र जगह या कहें कि स्थल माना जाता है। यहाँ मान्यता है कि सारे जो तीर्थ हैं आप पूर्ण करके आएंगे और यहाँ आप दर्शन करते हैं तो आपकी यात्रा जो है पूर्ण मानी जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर में प्रातः 5 बजे जो है भगवान शिव की जो है गुप्त आरती की जाती है, जिसमें मुख्य जो पुजारी होते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। यहाँ प्रतिदिन माना जाता है कि जो भगवान शिव है वो विश्राम के लिए या आराम के लिए यहाँ स्वयं पधारते हैं। यहाँ बात करें तो महादेव जी का जो आधा हिस्सा है ज्योतिर्लिंग का वो ओंकारेश्वर मंदिर में है और आधा हिस्सा ममलेश्वर मंदिर में है। तो अभी अच्छे से दर्शन हो गए हैं, अभी चलते हैं। प्रातः दर्शन माँ नर्मदा के आप सब भी कर सकते हैं। चलो मुख्य मंदिर परिसर की गलियों से आपका देखेंगे तो बाबा का दरबार जो है मंदिर है वो बहुत ही भव्य दिखाई देता है। और यहाँ गायत्री शक्तिपीठ की जो है आपका पीठ स्थित भी है, जो कि आपका बहुत ही पवित्र और कहें कि धर्म के प्रति बहुत ही अच्छा कार्य करती है। घाट की तरफ चलें तो आपका बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। जो बोट है वो दिन में आपका यहाँ पर चलते हैं, आप भी बोट राइड कर सकते हैं यहाँ पर। और दूर दूर तक देखें तो माँ नर्मदा जो है बहुत ही आपका सुंदर और पवित्र दिखाई देती है। सुबह सुबह बात करें तो ओंकार पर्वत पर स्थित राजा मानदाता का महल भी जो है बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका नर्मदा नदी के तट पर जो है घाट बने हुए हैं, अहिल्या घाट, गौमुख घाट, वो भी आपका बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो अहिल्या घाट पर जो है स्नान करते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपका जो मुख्य पुल है उससे इधर चलेंगे आपका तो दोनों साइड जो है आपका बहुत ही सुंदर नर्मदा नदी जो है बहती हुई नज़र आती है। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो देखो रहने और खाने के लिए लॉज होटल्स मिल जाएंगे। बाय एयर यदि आप आ रहे हैं तो इंदौर एयरपोर्ट आ सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के थ्रू आ रहे हैं तो रतलाम इंदौर खंडवा रोड से आपको जो है ट्रेन मिल जाएगी यहां के लिए। इसके अलावा राज्य परिवहन निगम की जो है बसें लगातार चलती रहती है। अभी अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अभी निकलने वाले हैं यहाँ से। दर्शन कर लिए हैं और अभी जो है अपन इस फूल के सहारे जो है ममलेश्वर मंदिर चल रहे हैं। तो अभी ममलेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंच चुके हैं और यहां माना जाता है कि ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर दोनों के जो है आपको दर्शन करना जरूरी है, जिससे ही आपकी जो है यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो अभी ओंकारेश्वर महाराज और ममलेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं और अभी यहाँ से देखो क्या प्लान बनता है। अभी होटल आ चुके हैं और यहाँ से आगे कहाँ चलेंगे आपको पूरा बताएंगे। तो अपने जैन साहब भी चाय लेके आ चुके हैं और अभी चाय वाय पीते हैं उसके बाद बढ़ते हैं। अभी सुबह जो है दर्शन करके आ चुके हैं और चाय पियेंगे अभी और उसके बाद यहाँ से निकलने वाले। तो अभी चाय जो है बहुत टेस्टी बनाते हैं जैन साहब।
तो अभी इस प्यारे से रूम को जो है बाय बाय करने का टाइम है, और अभी सुबह का 7 बज रहा है और अभी यहाँ से निकलने की तैयारी है अपनी। अभी देखो कहाँ चलने वाला है, आगे आपको रास्ते में बताते हैं। तो अभी जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छी सर्विस दी है, और आपने लोड किया मनासा और नीमच वाले जो भी है तो बिल्कुल यहाँ जरूर आप अपने घर के सब। हाँ सब घर के। यहाँ आप देख सकते हैं माँ नर्मदा जो है बिल्कुल कितने शांत प्रवाह से जो है प्रवाहित हो रही है, यानी कि वाइब को जो है आप फील। तो अभी अपना प्लान बना है कि महेश्वर चलने वाले हैं अभी, तो आपको भी ले चलते हैं साथ में। महेश्वर शहर की बात करें तो यहाँ स्थित भव्य घाट जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं और अपने महेश्वरी जो साड़ियाँ बनती हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। तो अभी महेश्वर पहुंच चुके हैं और यहाँ चलेंगे घाट और उसके बाद जो है किला देखने वाले हैं। तो ये देखो पहुंचने वाले हैं महेश्वर घाट के ऊपर। देख सकते हैं पूरा जो है ये नर्मदा रिवर है और ये पूरा घाट के किनारे वाला सेक्शन है। घाट पे पहुंच चुके हैं और ये आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल महेश्वर घाट है और ये नर्मदा रिवर है, और इधर आपको बात करें तो पूरा किला है। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंतर्गत आता है, और बात करें इंदौर से महज 95 किलोमीटर दूर स्थित यह बहुत ही सुंदर और आपका पर्यटक स्थल है। यहाँ की कलाकृतियाँ बहुत ही आपका सुंदर और मनोरम मानी जाती हैं। तो अभी दोनों भैया जो है नहाएंगे, उसके बाद जो है मैं आऊँगा। महेश्वर प्रसिद्ध है अपने महल के लिए और यहाँ नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए घाटों के लिए, और यहाँ आप आते हैं तो बिल्कुल नर्मदा घाट पर जो है स्नान ज़रूर करिए, बहुत ही अच्छी वाइब आती है यहाँ। कंप्लीट ना लिए हैं, अभी चलने वाले हैं किला देखने के लिए। तो ये महेश्वर का किला है। तो इधर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और बकरियां भी बंधी है। देखो महेश्वर से निकलने की तैयारी है और अभी देखो इंदौर चलने वाले हैं अपन। तो अभी महेश्वर से निकलने के बाद अपने डिसाइड किया है कि अपन जो है जाम गेट होते हुए महू और इंदौर के लिए निकलेंगे, तो आप एंजॉय कीजिए, बहुत ही सुंदर जाम गेट का जो है स्थल है, आप एंजॉय। जाम गेट पे रुके हैं, यहाँ गन्ने का जूस पियेंगे उसके बाद आगे चलते हैं, और एक बार यहाँ का व्यू देख लो आप। समाप्त करेंगे। आई होप आपको ओंकारेश्वर महेश्वर की ये सीरीज जो है अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो देखो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।